डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए, इसमें थोड़ा साफ साफ दिखता है ना जी। चलिए, हम देखें ना देखें, लेकिन आपको तो जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ करना है वो यहाँ क्लियर दिखता है। बाकी रहा समझाने का, वो तो हम आपको यहाँ भी समझा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा हमको ये अच्छा लगा इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं। बाकी के दूसरे क्लासेस के लिए हम वीडियो ही यूज करना चाहेंगे। क्या ना समझ में आया, अपना कमेंट लिखिएगा, हम खुद फिर वीडियो बना कर देने लगेंगे। ऐसे भी वीडियो चलेगा आपके लिए। फिर से हम बाबू 15 क्वेश्चन का सेट लाए हैं। ये देखिए, स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। कहता है, द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वेयर मोर सिविलाइज देन एंशियंट यूरोप। देखिए बाबू, एक बात बोलते हैं, जब कभी नॉन दिया रहे, ठीक है ना, जब कभी नॉन दिया रहे, ठीक है, और उस नॉन का, ठीक है, कंपैरिजन हो, ठीक है, उस नॉन का कंपैरिजन हो, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जिस तरह का पहला वाला नॉन होता है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से सेकेंड वाले नॉन का इंटरचेंजिंग होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर द पीपल मतलब प्लूरल हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेयर भी लिखा हुआ था वो, तो द पीपल है जो प्लूरल है, तो देन के बाद, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, देन के बाद, ठीक है ना, देन के बाद, ठीक है, हम ये प्लूरल रहने पर, ठीक है, प्लूरल रहने पर हम यहाँ दोज ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर? यदि ये मेरा पोर्शन सिंगुलर होता, ठीक है, ये मेरा सिंगुलर होता, तो देन के बाद, ठीक है, हम लोग दैट ऑफ का यूज करते। क्लियर? यानी कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पर देन के बाद क्या हो जाएगा, वो दोज ऑफ एंशियंट यूरोप। क्लियर? और यदि सिंगुलर होता तो यहाँ पर दैट ऑफ एंशियंट यूरोप कर लेते। क्लियर? ये समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ें। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट जो हमारे सामने आया है बाबू, वो आपसे क्या कहता है, ठीक है, वो आपसे क्या कहता है। कहता है, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स। ये देखिएगा वो, ये पूरे पोर्शन को थोड़ा सा बढ़िया से देखिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये टर्म है जो प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन लिस्ट न है जी, इन सब का लिस्ट है, इन सब का ये लिस्ट है, तो ये अपने आप में तो क्या है बाबू, सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है ना। और जब ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब कैसा मांगेगा बाबू, बताइएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मांगेगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर, इस हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए, बाज का यूज होना चाहिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज दैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। याद रखिएगा बाबू, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग में बसा लेते हैं, क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, वन ऑफ, ठीक है ना, वन ऑफ के बाद जब आप सुपरलेटिव कैरेक्टर को दिखाने के साथ साथ किसी नॉन को दिखाते हैं, ठीक है ना, किसी नॉन को दिखाते हैं, तो वो नॉन जो होता है प्लूरल में लिखा जाता है। किस में लिखा था वो, प्लूरल में लिखा जाता है। वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव कैरेक्टर के साथ जब कोई नॉन लिखा जाता है तो वो प्लूरल में होता है। क्लियर है ना? तो वो प्लूरल में होता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा बाबू,
सिंगुलर कैरेक्टर का होगा। किसका कैरेक्टर का होगा? सिंगुलर, है ना। याद रखेंगे कि वन ऑफ जो है अपने बाद सुपरलेटिव कैरेक्टर वाली बातें यूज करता है और कोई नॉन यूज करता है तो वो नॉन जो होगा वो प्लुरल में होगा, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर? चलिए। लेकिन कभी कभी होता है बाबू कि वन ऑफ, ठीक है ना, वन ऑफ लिखा और उसके बाद वही सुपरलेटिव कैरेक्टर प्लस ये जो नॉन लिखता है, ठीक है, वो प्लुरल तो रहता ही है, ठीक है। यदि इसी को डिफाइन करते हुए, ठीक है ना, इसी को डिफाइन करते हुए, ठीक है, आगे के सेंटेंस लिखे जाएं तो इसके लिए, जैसे इसके लिए मान लिया जाए विच या हु कर देंगे, ठीक है, विच हो गया या हु कर दिए, ठीक है। तो यदि ये प्लुरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव्स होना चाहिए, ये तो आप समझ गए हैं क्या होना चाहिए बाबू, बिलीव्स। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग, देखिएगा बिलोंग जब भी टर्म कोई रहे तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आप बिलोंगिंग टू लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टू नहीं लिख सकते हैं, या फिर कंसिस्टिंग ऑफ नहीं लिख सकते हैं, एक होता है ना कंसिस्टिंग ऑफ टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बाबू, डायरेक्ट आपको बिलोंग टू, ठीक है, यदि सिंगुलर है तो बिलोंग्स टू और प्लुरल है तो बिलोंग टू का यूज करना चाहिए, पहली बात बाबू, ठीक है। दूसरी बात उसी तरह से कंसिस्ट्स, ठीक है ना, कंसिस्ट्स ऑफ या फिर कंसिस्ट ऑफ, है ना, ये देखिएगा इसका यूज करना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? बिलोंग, ठीक है, टू। क्लियर? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। फिर से देखिए तीन क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा कहता है नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स, नॉर होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ क्या होना, नॉर। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या कहता है, एक चीज पहले समझिएगा। कहता है कि जब दो नॉन, ठीक है, जब दो नॉन, ठीक है, आयदर, ठीक है, आयदर और से जुड़े हैं, नाइदर नॉर से जुड़े हैं, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इन सब टर्म से जुड़ते हैं, तो वैसे कंडीशन में जो पहला नाउन हुआ फिर इनका उपयोग हुआ फिर सेकेंड नाउन हुआ, ठीक है, तो पहले नाउन की प्राथमिकता नहीं होती है, दूसरे नाउन की प्राथमिकता होती है, यानी यदि ये सिंगुलर हुआ तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। यदि ये प्लुरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो भी क्या हो जाएगा बाबू? प्लुरल हो जाएगा। क्लियर हुआ ना बात? क्लियर हुआ ना बात? समझ गया ना? दो नॉन यदि आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो इन सब टर्म से जुड़ा रहता है तो पहले वाले नॉन को प्राथमिकता ना देकर दूसरे वाले नॉन को प्राथमिकता हम लोग देते हैं। क्लियर? क्लियर है ना? चलिए ये याद रहेगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा देखिएगा तो आपके सामने है नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द, नॉर है ये, नॉर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो प्लुरल हो गया बाबू, तो जब प्लुरल है तो प्लुरल अपने साथ क्या लेता है? वी1 लेता है ना, क्या लेता है बाबू? वी1 लेता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? टेक्स होना चाहिए, टेक होना चाहिए, है ना। चलिए टेक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया है ना। चलिए कहता है वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज, हम लोग ने एक मैसेज प्राप्त किया फ्रॉम द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, होगा जी क्या होगा, कहाँ किस मंत्रालय का हमने एक प्राप्त किया है, तो क्या होना चाहिए था? ऑफ,
मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फॉर एजुकेशन नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ स्टरडे था तो स्टरडे के हिसाब से सेंटेंस मेरा पास्ट में होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अभी पहले जब यहीं गलती मिल गई है तो आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। चलिए देखिएगा अगला है हमारे सामने जो आया है बाबू, वो है ही इज राइटिंग नॉवल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। देखिएगा एक बात बोलते हैं बाबू, इसका भी एक अपना कॉन्सेप्ट है, इस टर्म को समझिएगा। एवर सिंस या सिंस कहता है कि जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम सिंस या एवर सिंस करे, ठीक है ना, एवर सिंस करे, जनरल कॉन्सेप्ट है, जब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम सिंस या एवर सिंस करे तो एवर सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस होगा, है ना, एवर सिंस के, ठीक है, एवर सिंस के पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, ठीक है, किसका होगा वो, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो दूसरे वाले माने इसके बाद वाले सेंटेंस में वी टू होना जरूरी है, क्लियर, यानी वी टू होगा या डिड यूज करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ही इज राइटिंग नॉवल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट, ठीक है, तो ये तो मेरा पोर्शन सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इज राइटिंग लिखा, इसके जगह पर हम लोग क्या कर देंगे बाबू, हैज़ बीन, ठीक है, राइटिंग, क्लियर है ना, क्या कर देंगे बाबू, हैज़ बीन राइटिंग, क्लियर। तो ये मेरा पोर्शन में गलती था, इसको याद रखेंगे आप। चलिए अगला देखिएगा बाबू, हमारे सामने आया है आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। एक देखिएगा डब्ल्यू एच वर्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा यूज करिएगा ना तो बहुत आपको काम आएगा। देखिएगा ये डब्ल्यू एच वर्ड का कॉन्सेप्ट कहता है कि डब्ल्यू एच वर्ड दो कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद यदि आप एग्जुलरी वर्ब का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बाबू, एग्जुलरी वर्ब का यूज करेंगे तो सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए, क्लियर। यदि डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद यदि आप सब्जेक्ट यूज करेंगे तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह फुल स्टॉप का यूज होगा, क्लियर। डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद यदि एक्जिलरी वर्ब यूज किया जाएगा तो सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा। डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद यदि सब्जेक्ट यूज किया जाएगा तो साइन के रूप में क्या होगा बाबू, फुल स्टॉप होगा। चलिए देखिए ही आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल, अब यहाँ देखिए फुल स्टॉप है ना, यदि इंट्रोगेशन होता तो बोल देता, ठीक है, तो यहाँ डिड ना यूज करके पहले क्या होना चाहिए था बाबू हमको, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट ना, यानी हमको क्या यूज करना चाहिए, डायरेक्ट पहले वाई, ठीक है ना, वाई के बाद ही यूज होगा ना कि डिड, क्लियर। चलिए ये वाला याद रहेगा ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज, यहाँ भी देखिएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं दिया है, यानी कि हाउ मच के बाद हमको मजबूरी है कि सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, यानी डज की जगह पर हम यदि ही लिखते तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता है, क्लियर। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं अगला, कहता है द गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइसेज ऑफ, होता है बाबू प्राइसेज ऑफ, प्राइसेज जो टर्म होगा, ठीक है ना, प्राइसेज जो टर्म होगा, ठीक है ना, वो अपना प्रेपोजिशन फिक्स किए हुए है क्या, किसी चीज का दाम होता है, मूल्य होता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था बाबू, प्राइसेज ऑफ, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, टू आवर्स है पास्ट, यहाँ देखिए फिर से देखिएगा सिंस बीच में आया है, तो यहाँ पर तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया ये,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, हेड लगा दिया, यहाँ डायरेक्ट क्या कर देंगे, फॉल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये नहीं इसको वी टू में बदल देंगे तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर याद रहेगा ना, इसको यदि हम वी टू में बदल देंगे तो ये मेरा पोर्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बदलते हैं बाबू, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार। देखिए इधर, ये पोर्शन जो है ये सिंटेक्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हुई है। यहाँ होना चाहिए था सेंटेंस, इसको थोड़ा समझिएगा, कार टूटी होगी ना, ठीक है, कि ड्राइवर डायरेक्ट पहुँच जाएगा, नहीं ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, पहले द कार होना चाहिए था। क्लियर, यानी होना चाहिए था हैविंग ब्रोकन डाउन द कार। देखिएगा हैविंग, ठीक है, ब्रोकन डाउन द कार सेंट टू द गैराज बाई ड्राइवर, है ना। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखते तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर वो चेंज करके लिखा गया था, तो ये पोर्शन आपका गलती हो जाएगा, है ना। चलिए ये वाला पोर्शन आपका गलत माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बाबू देखिएगा, हमारे सामने फिर से क्वेश्चन आ गए, क्या क्वेश्चन आ गया ना जी, चलिए देखते हैं उसको, ठीक है ना। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स। देखिएगा वन ऑफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना बाबू, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट आया ना, तो वन ऑफ के बाद देखिए इसने प्लूरल टर्म को यूज किया भी, यानी कि ये पोर्शन मेरा सही है। अब आगे की बात करते हैं, देखिएगा अब ये ही या वह उन लेखकों में है जो, अब ये इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ टर्म आया, तो जब इसको डिफाइन करके ही आगे का सेंटेंस बन रहा है, तो ये जब प्लूरल है तो यहाँ पर आप हैज ना यूज करके क्या यूज करना चाहिए आपको, है, हम ये कॉन्सेप्ट तो पीछे दे ही चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द मेसन विल डू नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर। देखिएगा यहाँ पर एक्सेप्ट का उपयोग सही नहीं है, उसकी जगह पर हमें क्या यूज करना चाहिए बाबू, रेदर। कहने का मतलब है, वास्तव में बात यह हुई कि मिस्त्री जो है, मैसन मिस्त्री होता है, घर बनाने वाले मिस्त्री को हम लोग राजमिस्त्री जिसको कहते हैं ना, उसी को हम लोग मैसन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा द मैसन विल डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर की जगह एक्सेप्ट ना करके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, रेदर करेंगे, ठीक है। देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है बाबू, एक्सेप्ट और बिसाइड को लेकर, एक्सेप्ट और बिसाइड को लेकर कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्ट कहता है कि मेरा उपयोग तब किया जाए जब किसी एक को समूह में शामिल नहीं करना है। जैसे हम लोग पारा के साथ देखते हैं ना बाबू, पारा के साथ क्या होता है, सारे सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो एक्सेप्ट हम लोग कहते हैं HG, ठीक है, पारा का छोड़कर सभी सॉलिड होते हैं। तो बिसाइड्स ये कहता है किसी को समूह में शामिल करते हुए जब कोई चीज़ करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, बिसाइड्स यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो एक्सेप्ट्स और बिसाइड दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। When students are ill, they find they have a lot of work to catch up when they return. देखिएगा हम एक बात पूछते हैं बाबू, यदि कोई बीमार होगा, है ना, यदि कोई बीमार होगा तो बीमारी से वो क्या करता है बाबू, क्या करता है, रिकवर करता है ना, वो बीमारी से उबरता है, निकलता है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रिटर्न की जगह पर यदि हम रिकवर टर्म यूज करते, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेहतर होता कि नहीं, है ना। यदि हम लोग कह रहे हैं कि ये रिटर्न जो टर्म है इसकी जगह पर क्या यूज करना चाहिए हम लोग को, रिकवर टर्म का यूज करना चाहिए। क्लियर, चलिए यहाँ से हमारी बातें क्लियर हो गई ना बाबू, 15 क्वेश्चन का ये सेट चला, है ना।
आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, हमको पता है आप पूरी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन को हम लोग ले के चलेंगे तो अच्छे बात दिमाग में आ जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या, चलिए एक बार और देख लेते हैं इजी वे में। द पीपल ऑफ एंशियंट इंडिया वेयर नो वेयर मोर सिविलाइज देन एंशियंट यूरोप। तो यहाँ पर हमने कहा कि जब समझने की बात होती है, ठीक है ना बाबू, जब समझने की बात होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का दो कंपैरिजन वाली बातें होती हैं, ठीक है ना, दो कंपैरिजन वाली बातें होती हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में, ठीक है ना, जब कंपैरिजन वाली बात होती हैं तो वैसे कंडीशन में इसके हिसाब से यदि ये पीपल वाला जो टर्म है वो मेरा प्लुरल है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोज ऑफ का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। और यदि सिंगुलर होता है, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, दैट ऑफ का यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए, दैट ऑफ का यूज करना चाहिए, है ना बाबू। चलिए ये क्लियर हो चुका है आपका। फिर इसी तरह से हमने बोला कि द लिस्ट ऑफ नेम्स वाली बात हुई थी, तो ये भले नेम्स हो ढेर सारा हो लेकिन वास्तव में तो द लिस्ट की ही बात हुई है ना, तो ये पूरे का लिस्ट है तो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है बाबू तो ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, बाज लेगा। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जो हमारा है, फिर से एक बार हम लोग कर रहे थे इसलिए इसको देख लेते हैं। वन ऑफ के बाद, ठीक है ना, वन ऑफ के बाद, ठीक है, वन ऑफ के बाद जब भी एक कॉन्सेप्ट हमने बनाया कि यदि वन ऑफ लिखते हैं और वहाँ पर एक सुपरलेटिव कैरेक्टर आता है तो वो जो नॉन लेगा वो हमेशा के लिए प्लुरल होगा, लेकिन ये पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिंगुलर माना जाता है, इस हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन, ठीक है, लेकिन यदि वन ऑफ के बाद उसी तरह से सुपरलेटिव करेक्टर हो और नॉन हो जो प्लुरल में तो होता ही है, और इसी को संदर्भ में लेकर नेक्स्ट सेंटेंस लिखा जाएगा तो वो जो होगा ये क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब को अपने हिसाब से कर देगा, यानी प्लुरल कर देगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट मेरा बन गया क्वेश्चन। अगला देखिएगा, पीपल हु आर हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा वन ऑफ माई फर्मेस्ट, वन ऑफ माई फर्मेस्ट के बाद ये जो बिलीफ है वो नॉन हो गया ना जी, तो नॉन हो गया तो उसको हम लोग प्लुरल में लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे बाबू, बिलीफ। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग, देखिएगा बिलोंगिंग टू का यूज कंटिन्यूटी को शो करने के लिए नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहिए, बिलोंग टू का यूज करना चाहिए। क्लियर, चलिए अगला, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट, देखिएगा जब दो नॉन आइदर, फिर से हम देखिए एकदम इजी वे में समझा रहे हैं बाबू, आइदर और, ठीक है ना, नाइदर नॉर, ठीक है, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, इन सब टर्म से जुड़ता है तो हम लोग इनके पहले वाले नॉन को प्राथमिकता ना देकर इनके बाद वाले नॉन को प्राथमिकता देते हैं, यानी यदि ये प्लुरल हुआ तो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या हो जाएगा वो, प्लुरल होगा, और यदि ये सिंगुलर हुआ, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर, यहाँ देखिएगा, पीपल हो नाइदर द प्रिंसिपल नॉट द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देंगे बाबू, है ना, किसको प्राथमिकता देंगे, स्टूडेंट्स को प्राथमिकता देंगे, उसके हिसाब से यदि ये प्लुरल है तो यहाँ टेक्स की जगह क्या लिखना होगा हमको, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, आपके सामने जो टर्म था, वी हैव रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द मिनिस्टर, यहाँ क्या होना चाहिए बाबू, फॉर की जगह पर क्या होना चाहिए था, ऑफ होना चाहिए था। क्लियर, यहाँ फॉर की जगह पर ऑफ होना चाहिए था। क्लियर है ना, यहाँ तो हमने गलती पहले ही दिखा दी थी। चलिए ये आप समझ गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज राइटिंग नॉवल्स एवर सिंस, हमने बोला था कि एवर सिंस का कॉन्सेप्ट है, सिंस या एवर सिंस, ठीक है ना, का कॉन्सेप्ट है कि आप मेरे पीछे वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखिए, लेकिन मेरे बाद वाले सेंटेंस में वर्ब का दूसरा रूप होना चाहिए। तो
तो यहाँ देखिए हिज राइटिंग नॉवल सेवर सिंस ही बिकेम, देखिए इस पोर्शन सही है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे बाबू, हैज बीन राइटिंग कर देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना बाबू। चलिए ये मेरा सही हो गया। चलिए अगला देखिएगा, ही आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। देखिएगा डब्ल्यू एच वर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, डब्ल्यू एच वर्ड का कॉन्सेप्ट है बाबू, वो कहता है आपसे कि यदि डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हुआ है तो दो बातें होंगी, यदि तुरंत बाद इसके आप एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है ना, क्लियर, तो वहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा, क्लियर। और डब्ल्यू एच वर्ड के तुरंत बाद यदि आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो सेंटेंस फुल स्टॉप लेगा। यहाँ देखिएगा सेंटेंस में फुल स्टॉप है ना, वास्तव में कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप है। जब फुल स्टॉप है तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमको क्या लिखना चाहिए बाबू, ही ना, हमने क्या लिख दिया था, डिड, इस हिसाब से ये पोर्शन गलत है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला, आई वॉज सरप्राइज वेन ही टोल्ड मी हाउ मच डज ही स्टडी एवरी डे। देखिए हाउ मच के बाद यहाँ भी फुल स्टॉप दिया हुआ है तो हमको क्या चाहिए बाबू, सब्जेक्ट चाहिए, यानी हाउ मच के डज की जगह पर हमको क्या लिखना चाहिए, ही लिखना चाहिए, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू, हमारे सामने क्वेश्चन है 10वां नंबर, वो आपसे कहता है कि द गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू डिक्रीज द प्राइसेज। प्राइस किसी चीज़ का मूल्य लेना होता है बाबू, तो जब हम प्राइसेज लिखेंगे तो उसके साथ क्या लिखना होगा, ऑफ लिखना होगा, यानी यहाँ पर गलती है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, ऑफ लिखेंगे, क्लियर। अगला कहता है 2 आवर्स है पास्ट, 2 आवर्स है पास्ट, देखिएगा 2 आवर्स है पास्ट, ठीक है, 2 आवर्स है पास्ट। सिंस, फिर से सिंस से आया तो यहाँ देखिएगा इधर वाला तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, पीपी का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन यहाँ देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, इसकी जगह पर हमको वी टू लेना चाहिए तो क्या होना चाहिए था, फॉल, हिल फॉल। चलिए क्लियर। चलिए हैविंग ब्रेकन डाउन द ड्राइवर सेंट द कार, देखिए हैविंग ब्रेकन डाउन के बाद आपको पहले द कार लिखना चाहिए था, वो बाद में लिखना चाहिए था ड्राइविंग ड्राइवर के बारे में, यहाँ पर द कार को यदि हम यहाँ लिख देते तो मेरा सही होता, ये सिंटेक्स का प्रॉब्लम हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, यहाँ देखिए ये दोज राइटर्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड आया है, तो जब इन्हीं को डिफाइन करके नेक्स्ट सेंटेंस बन रहा है तो ये प्लुरल में है तो ये भी क्या होना चाहिए बाबू, प्लुरल में होना चाहिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा बाबू, हैव, क्लियर। चलिए देखिएगा अगला, द मैसोन विल नॉट डू द वर्क, ठीक है, एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, है ना, एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, एक्सेप्ट की जगह पर आपको यहाँ क्या यूज करना चाहिए, इसका हम डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, आप रेदर यूज करें, ठीक है, सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट बात बोल रहे हैं, जब कोई बीमार पड़ेगा तो बीमार हो के धीरे धीरे तबीयत उसकी ठीक होती है तो बीमारी से जब ठीक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रिकवर कहते हैं, है ना, यहाँ पर देखिए रिटर्न लिखा हुआ था, इस हिसाब से ये पोर्शन हमारा गलत माना जाएगा, क्लियर, याद रहेगा ना। चलिए इसको हम लोग ये बात समझ गए हैं, ठीक है, तो हम लोग 15 क्वेश्चन का जो सेट लेकर चले बाबू, वो देखिए पूरी तरह से हम लोग क्लियरिफाई कर चुके हैं, आपको समझ में आ रहा है ना बाबू, यदि इसी से आप पूरी तरह बातों को समझ पा रहे हो, ठीक है ना, यदि इसी से आप पूरी बातों को समझ पा रहे हो बाबू, ठीक है ना, तो आप अपना कमेंट करें, ठीक है, नहीं तो आपको यदि वीडियो की ही ज़रूरत है तो वीडियो हम लोग डालेंगे, और याद रहे बाबू, ठीक है, फिर से ये आपको एक हेल्प है, ठीक है ना, ये हेल्प है जो आपको ये बताएगा, ठीक है, कि किसी भी हालत में हम लोग को रिजल्ट बना लेना है, ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से अभी 15 क्वेश्चन हो रहा है, कल से हम और थोड़ा सा 5 क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, क्या आप लोग को जितना ज़्यादा सहूलियत हो, ठीक है ना, हम भी सहूलियत देना पसंद करेंगे, ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा सहूलियत हो ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम जानकारी दे सकें, ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, एसएससी के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, एसएससी के स्पेशलिस्ट के तौर पर ऐसे ही थोड़े और पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ये बात याद रहेगा ना। चलिए और याद रखना है बाबू, एमबी पब्लिकेशन की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है ना, वो 20 तारीख से यानी कल से, है ना, 20 जनवरी से शाम में
से छ के टाइमिंग में शुरू हो रहा है। क्लियर, शुरू हो रहा है। इसको थोड़ा सा आप लोग कंटिन्यू करें और अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस और तगड़ी हो जाएगी यदि आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो। दूसरी बात, 1 फरवरी से, ठीक है ना, पहला फाउंडेशन बैच, ठीक है, हम लोग चालू कर रहे हैं, है ना। 1 फरवरी से पहला फाउंडेशन बैच हम लोग चालू कर रहे हैं। फी बहुत ही कम रखा गया है बाबू, मात्र 2500 रुपया, ठीक है ना। 8 महीने का कोर्स है जिसमें हम दम जीरो टू हाई कहते हैं ना, जीरो टू दम हाई लेवल में पहुंचा देंगे, ठीक है ना। उसमें 15 मिनट वर्ड का चलेगा बाबू, ठीक है, और 1 आवर आपका क्या क्लास होगा बाबू, ग्रामर का होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस तो इसी माध्यम से होगी, है ना। प्रैक्टिस हम लोग ऑनलाइन ही करते रहेंगे, है ना, प्रैक्टिस हम लोग ऑनलाइन ही करते रहेंगे। क्लियर है ना। तो ठीक है बाबू, सबसे बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्या जी, अच्छा रहेगा ना, आपको तो सब समझ में आ ही जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्या।